अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक तो मेरी आवाज़ इग्नोर करना मेरी आवाज़ को, एंड आई एम सुपर सॉरी मेरा कल व्लॉग नहीं आया बेसिकली थर्ड डे का, क्योंकि कल एक तो पूरा दिन कुछ था भी नहीं इतना इंटरेस्टिंग, और दूसरी बात ये कि फिर शाम के नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 8 बजे मुझे चोट भी लग गई। मैंने सोचा था मैं कुछ कर ही लूँगी एंड मोमेंट में, बट मुझे चोट बहुत बुरी लग गई और उसकी वजह से फिर मैं इतनी निढाल हो गई, मतलब निढाल मतलब इतना लेजी हो गई, और मतलब बहुत दर्द भी हो रहा था ना। और अभी दर्द तो इतना नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ पे ठंडा है, ये अच्छा है कि इस वजह से आई थिंक मुझे इतना तकलीफ नहीं फील हो रही मेरे ख्याल से, बट चलने में मुश्किल हो रही है मुझे। बस मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो बेसिकली क्या हुआ रात में कि हम लोगों ने खाना मंगवाया था, ठीक है, एंड खाना मंगवाने के बाद अयपी बिजी थी काम में, एंड मैं अयपी को भी निकाल के दे रही थी और खुद भी निकाल रही थी। तो पता नहीं कैसे मैंने जब खाना निकाल के रखा और अपनी ये चेयर ड्रैग की ना, तो आगे ये वुड का ऐसा लगा हुआ था एंड मेरा नेल जो है, जो मेरा टोगा नेल है लाइक मिडिल वाला, वो ऐसे स्ट्रेट जग लगा और ऐसे ऐसे उखड़ गया। मतलब रियल नेल है, ठीक है, फेक नहीं है। तो वो पूरा उखड़ गया, पूरा नहीं, आई थिंक साइड से ऑलमोस्ट पूरा उखड़ गया ना। तो अब पता नहीं वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा, मुझे नहीं मालूम, बट मैंने तो उसके ऊपर सनी प्लास्टर लगा दिया क्लीन करके, बट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके गाइज, ये आप लोग देख सकते हो, ये अभी हल्का सा थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, एंड मैं आप लोगों को थोड़ा ऐसे करके दिखाती हूँ। आई डोंट नो ये कैसे दिखेगा, बट लाइक ये आई थिंक आप लोग देख सकते हो मेरे ख्याल से, यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, बट आई गेस कैमरे में दिख रहा होगा। सो ये जो है, ये मुझे बहुत बुरी चोट लगी हुई है, बट अभी मैंने सनी प्लास्टर लगाया हुआ है, पर स्वेल भी हो चुका है, और बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही स्वेल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन यार, होता रहता है, इट्स ओके। और जहाँ से लगी है ना, मैं वो वाली जगह भी दिखाती हूँ कि कैसे लगी थी, मैं चल भी नहीं पाई, लंगड़ा रही हूँ मैं, और ये अभी यहाँ पे तैयार होकर चुड़ैलों की तरह बैठी है, पता नहीं क्यों, बट काम पर जा रही है इस वजह से इतनी तैयार है। सो यहाँ पे मैं बैठी, इस चेयर में मैं बैठी, उल्लू की भटी चेयर, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो, और तुम्हें भी अगले जन्म में जब तुम इंसान बनो तो तुम्हें भी ऐसी लगे। ये क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने अपना पैर रखा और ये वाला जो मेरा नेल है ना, ये मतलब ये सेकंड वाला ऐसा जाके लगा इसके ऊपर और ऐसे उखड़ गया, ऐसी की तैसी हो इसकी, कोई बात नहीं, पर इट्स ओके गाइस। देखो मैं ऐसे ऐसे करके चल पा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा सही कल तक। और माशाल्लाह से बहुत रहमत है अल्लाह पाक की, मैं फिर से लेट हो गई हूँ, हमारे ब्रेकफास्ट का 4th दिन भी मिस हो गया। और यार ये लोग इतना लेट रखते, मतलब यार अब ज़रूरी है क्या 10 बजे उठ के बैठ जाओ, 6 बजे उठ के बैठ जाओ, क्योंकि वैसे एक तो ठंड चल रही है, ठीक है, दिन इतने लंबे, अगर इतनी सुबह उठ भी गए तो शाम तक तो मैं बेहोशी की हालत में आ जाऊँगी, है कि नहीं है यप्पी, है ना, इतनी सुबह उठ गए तो फिर जल्दी इंसान उठेगा जल्दी तो सोएगा भी जल्दी, और सोना तो मुझे जल्दी बिल्कुल भी नहीं आता, और उठना भी, तो कोई बात नहीं, दफ़ा करो, हम फिर से अपना कुछ खाएंगे। हाँ नहीं तो यार कसम से अभी मैंने इनको कॉल करके बोला, हालांकि अभी आज मैं इतना भी लेट नहीं उठी, कल मतलब लाइक हर दिन मैं 12:30 ऐसे करके उठती हूँ, ठीक है, आज मैं 11 पे उठी हूँ, लेकिन फिर भी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं 10 बजे ही लोग बंद कर देते हैं, मैं तो इतनी मॉर्निंग में नहीं उठने वाली। और गाइस आज थोड़ा सा रेडी भी होंगी यार, मैं थोड़ा सा रेडी होगी, आज तो आई थिंक मेरा अकेला दिन होगा यहाँ पे, सो आई गेस जो मेरा day 4 होने वाला है ना, वो नेपाल में अकेला होने वाला है, थोड़ा सा हॉन्टेड वाइब आएगी, नहीं अकेले रहने दो, मैं थोड़ा सा अकेले व्लॉग करूँगी, सो दिस विल बी माई कॉन्टेंट फॉर टूडे, के माई अलोन डे इन नेपाल कितना मस्त आएगा, लेकिन कुछ है नहीं करने को, सो मैं बेसिकली इधर उधर ही घूमूंगी और बस, लेकिन शाम से पहले पहले तो घूमूंगी और फिर अंदर आ जाऊँगी। सो गाइज अभी मैं अपने लिए कॉफी बनाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद रेडी होते हैं, जब तक आई थिंक ये पे चली जाएगी, ये पे कब तक जा रही हो तुम, थोड़ी सी देर तक अच्छा ठीक है ओके। देखो मुझे चोट में ऐसे छोड़ के जा रही है, इसे शर्म नहीं आ रही, काम है ना भाई। कॉफी पी ली? नहीं मुझे नहीं पीनी कॉफी, नहीं पीनी, ओके मुझे तो बना दो। अच्छा ओके, चोट लगी है ना तो मुझे कॉफी बना दो। ये देखो गाइस मैं कैसे चल रही हूँ, सोला फोन की तरह मेरा, देखो भाई चोट लगे कुछ भी हो लेकिन स्वैग नहीं जाना चाहिए, स्वैग दूसरा फोन की तरह भाई, स्वैग की मारन, दूसरा फोन किधर गया, अच्छा मारन, देखो गाइस दूसरा फोन किधर है मुझे कख नहीं मालूम, आ ये रहा ओके मिल गया, ये मेरे साथ
दुनिया में कोई इतना छुपन छुपाई नहीं खेलता जितना मेरा ये दो फोन मेरे साथ छुपन छुपाई खेलते, मतलब सीरियसली। ओके ये बच्चे कुछ कपड़ों को मैं जरा यहाँ पे रख दूँ। अरे भाई साहब आज देसी पहनने का मन है मेरा, बट डोंट नो, बाद में देखती हूँ, अभी बैठ जाऊँ, चैन की सांस। ओके अभी मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है, कॉफ़ी बना के लाया, फिर आप लोग कॉफ़ी दिखाती हूँ। गाइस दुआ करना ओके, मेरा ये पैर सही हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है यार, चल नहीं पा रही सही से। ओके गाइस एपी जा चुकी है और एपी ने जाते जाते मुझे बोला कि तुम सैंडविच खाओ, ये सैंडविच एपी मुझे दे के गई है, और एपी ने मेरे लिए कॉफ़ी भी बना दी, ये एपी ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, ऐसे लग रहा है हॉट हॉट लग्स में, तो क्या बोलते हैं, कोई भी देख रहा है ना, कोई बच्चा मेरा ब्लॉग दिख रहा है जिसको पीना पसंद है, खबरदार जो पिया इसकी वजह से मेरी भी हाइट मतलब इतनी नहीं बढ़ी, शुगर है 5'2" से ऊपर हो गई थोड़ी, वरना तो अल्लाह ही आफिस्ता। खैर मैं ब्लॉग कर रही हूँ ठीक है गाइस, सॉरी अभी मैं तो ब्लॉग कर बाद में, मैं अभी अपना नाश्ता कर रही हूँ ठीक है, नाश्ते के बाद हम तैयार होते हैं, यही जल्दी से नाश्ता करते हैं। अभी मेरा पैर मम्मी अरे अभी भी चली गई यार, अब मैं अकेली हूँ क्या करूँ अकेली, कुछ भी नहीं है। ओके गाइस तो मैंने नाश्ता कर लिया और उतने टाइम में अब्दुल वासे भी आ चुका है, लेकिन वासे अपने लिए कुछ खाने के लिए कर रहा है क्योंकि अभी सिर्फ 12 बजे, और मैंने अपने लिए कपड़ा निकाला, मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला, बहुत दिनों से ना मैं वेस्टर्न ही पहन रही हूँ, सो मेरा अब दिल था कि यार कुछ शलवार कमीज़ भी हो जाए, बिकॉज बस मन कर रहा था, शलवार कमीज़ जब तक मैं पहनती नहीं हूँ ना हफ्ते में एक बार, मेरे सुकून नहीं आता क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती हूँ दुबई में तो, बट यहाँ पे मैं नहीं पहन रही थी, सो आज मैं शलवार कमीज़ पहनने वाली हूँ। ओके गाइस तो मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये मैंने जुनैद जमशेद से लिया था पाकिस्तान से, और ये थोड़ा गर्म है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा गर्म भी है, सो ये मेरे साथ पूरा चलेगा, बस पता नहीं क्यों मैं हमेशा साइज़ बढ़ दे देती हूँ, अगर ये मैं थोड़ा छोटा साइज़ ले लेती ना तो बहुत अच्छा आता मुझे, बट चलो कोई बात नहीं, अब इसे थोड़ा सा प्रेस करना है, आयरन करना है, तो मैं अभी स्टैंड और अपनी आयरन रेडी करती हूँ। रहा मेरा प्यार से सेटअप, अभी मैं अंजाम देने जा रही हूँ इस्त्री से अपने ड्रेस को प्रेस करने की, अच्छा मैं नहीं यूज़ करती है, इट्स बीन आई गेस 3 या 4 ईयर्स के मैंने इस्त्री को यूज़ नहीं किया, और 3-4 ईयर्स पहले तो मैं इतनी छोटी थी कि मम्मा मुझे इसके करीब भी नहीं जाने देती थी ठीक है, अभी मैं 19 की हूँ, 7 से 4 साल पहले मैं इतनी छोटी थी, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो, सो मैंने जब मैं बड़ी हुई हूँ मम्मा ने मुझे स्टीमर ही लेके दिया है, मम्मा ने मुझे बोला बेटा आप इतनी अच्छी नहीं है कि आपके हाथ में इस्त्री दी जाए, आप स्टीमर से ही काम चलाएं, सो मुझे स्टीमर यूज़ करना आता है, मुझे इस्त्री यूज़ करनी नहीं आती, और ये मेरा ड्रेस एकदम न्यू है, मैंने इस वाले ड्रेस को एक बार भी नहीं पहना, आप लोग डिटेल्स देख सकते हो कितनी हसीन है, अल्लाह ना करे अगर ये जल गया तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला ड्रेस मैं बहुत प्यार से लेकर आई हूँ, और एक और भी है ये ग्रीन कलर का है, लेकिन ये ग्रीन मुझे नहीं पहनना क्योंकि ग्रीन मैंने अभी अपनी प्रोफाइल में पहना है, सो मैं ये पहनने वाली, वैसे लाल भी तो मैंने पहना है, आई डोंट केयर, मैं बट अभी वाला पहनने वाली हूँ, ऐसे चेक करते ना, हाँ ओके हो गया गरम, चलो जी करते हैं इस्त्री। ओके गाइस तो मैंने अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी चुके हैं, बट यार मैं ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं हो पा रही, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, बट मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ ऑनेस्टली मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं थोड़े गलत टाइम पर आ गई, बट यार मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए थी, इट्स ओके अभी मैं अपना रेडी होने जा रही हूँ ठीक है, रेडी होते हैं नॉर्मल रेडी होंगी, अच्छा हुआ मैंने अपनी लैश एक्सटेंशंस करवा कर आई हूँ तो मुझे इतनी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, सो लेट्स गेट रेडी, मैं लोशन लगा गया यार, ये रहा सर, मैं तो अपने हाथों में लोशन लगा लूँ, ये फेस के लिए भी है सो चलेगा, सो मैं इतना नहीं लगाती अपने फेस पे, मैं क्या करती हूँ अपने हाथों पे लगाती हूँ ठीक है अच्छे से, फिर नेक पे लगाती हूँ, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसको फेस पर लगा लेती हूँ, मुझे इतना मुझे स्टार्टिंग से फेस पे इतना कुछ पसंद नहीं है, लोशन हो या मेकअप हो, मेकअप तो फिर भी लेकिन क्रीम मुझे इतनी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, अगेन सेम चीज़, यहाँ पे ना अक्सर नहीं लगता, यहाँ पे आता था सब ड्राई हो जाता, अब से इसलिए क्योंकि मेरा फेस जो है ना वो ज़रा ड्राई ना हो, क्योंकि यहाँ पे आके स्किन मेरी बहुत ड्राई हो जाती है हमेशा से, वेदर ऐसा है ना। ओके
अभी मैं मेकअप थोप रही हूँ, तो ये वाला पार्ट आप लोग स्किप भी कर सकते हो, आप लोगों को नहीं देखना। बेचारे लड़के वो तो मेरा व्लॉग ही देखना छोड़ देंगे कुछ दिनों बाद, मुझे लगता है बोलेंगे क्या चीज़ है भाई है? हम तुम उसका व्लॉग देखें, इसके व्लॉग में कुछ भी नहीं होता। बेचारे लड़के कसम से वो थक जाएंगे, लड़कियाँ तो चलो सही है, लड़कों का सोच के मुझे हो रहा है। ये स्टिक कुछ भी बोल दो, स्टिक फाउंडेशन बोलो, कुछ भी बोलो, और इसको भी मैं ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ ताकि इतना ज़्यादा ना हो, ठीक है? क्योंकि आई थिंक हाथों के साथ सब में बेस्ट रहता है। ये आपको बताता है कि आपके हाथ क्लीन है और ब्लेंड ही बहुत अच्छे से होता है। इवन इस स्टिक की जो इंस्ट्रक्शन है ना, उस पर भी ये लिखा हुआ था कि या तो हाथ से कर लो या तो उससे कर लो, तो मुझे हाथ से अच्छा लगता है करना। मेरा जो मेकअप है ना वो टर्न आउट होकर अच्छा लगता है, बट जो मेरा प्रोसेसिंग मूड है ना वो बड़ा ख़राब है। मतलब उस टाइम मुझे कोई देख लेना बोलेगा इसको मेकअप का ए भी नहीं आता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे आता है, या अगर नहीं भी आता है तो एट द एंड आई एम हैप्पी हाउ इट टर्न आउट। देखो यहाँ पर मैंने कम थोड़ा ड्राई हो गया ना ये, तो इस वजह से इतना अच्छे से अभी ब्लेंड नहीं होगा। हमेशा पहले अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज करो, कोई भी कंसीलर फाउंडेशन कुछ भी लगाने से पहले, ताकि ना अजीब सा ना हो और ब्लेंड भी इजली हो जाए। बस सही है। अरे अभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीडाइज का मतलब समझाऊँ, मतलब ऑक्सीडाइज मतलब अभी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? मतलब अभी जितना थोड़ा सा हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है ना, ये इतना नहीं लगेगा। अभी थोड़ी से टाइम में देखना नॉर्मल हो जाएगा मेरे फेस के साथ। एक एक शेड, बल्कि एक शेड भी नहीं, ये ऑलमोस्ट मेरी स्किन के जितना है, बट हल्का सा इसके अंदर जो है वो थोड़ा 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 सा लाइक लाइट है एज़ कम्पेयर टू माई स्किन। मैंने उस दिन एपी का किया था, सेम वही चीज़ मैं अपने ऊपर करूँगी, क्योंकि मैं अपना मेकअप वैसे ही करती हूँ। सो इसको सॉरी, तो नहीं वाला पार्ट में डालूंगी भी या मैं एडिटिंग करते हुए काट दूंगी, मुझे नहीं मालूम यार, पर मैं तो पागल लग रही हूँ। आई नो लाइट कम है आज, मुझे फीलिंग आ रही है यार, क्यों बताए? आई जस्ट फील लाइक कि आज लाइटनिंग कम है। किधर जा रहा है? वाह, वासे ने अपने लिए वो मंगवाया था, कप और सॉरी ग्लास और शर्ट बोलो, सॉरी ग्लास और प्लेट, एंड अभी लाकर दे रहे हैं तकरीबन 30 मिनट्स के बाद। आई थिंक सुबह के टाइम में लोग बिजी होते होंगे मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। ओप्स सॉरी, कोई बात नहीं। चीनी है ना ये? हाँ ये वाली चीनी, और कॉफ़ी का वो छोटा वाला साशा ज़रूर डालना, वरना मज़े की नहीं बनेगी, ऐसा लगेगा जैसे चॉकलेट मिल्क शेक पी रहे हो। नहीं नहीं स्ट्रांग नहीं बनेगी बिल्कुल भी, अगर तुमने वो छोटा वाला नहीं डाला तो। ये देखो ये रहा, ये ज़रूर डालना है। हाँ वो आपकी मर्जी है। पर यार ये फटते नहीं है, इसे कैंची आपके पास? कैंची हाँ, वो देखो वहाँ पे ब्लेड पड़ा है, खोलो, येलो कलर का ब्लेड होगा ये? हाँ नीचे रख के ऐसे कट करके काटो, नीचे रख के, हाँ नीचे रख के, हाँ ओके गाइस, सो माय ब्रोज आर डन, ठीक है? अब बारी है मेरे लेंसेस की। यार लेंस आई स्वेयर ट्रेवल करते हुए मैं कोई भी लेंस लेकर आती हूँ ना, पानी खुद ही खुद ड्राई हो जाता है। हालांकि नेक्स्ट डे ही मैंने ये लिया है, बट उसके बावजूद भी मेरी लेंस की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है यहाँ पर कि मैं लेंस नहीं पहन पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग यार, लाइक लिटरली, एंड आई लव लेंस, मुझे लेंस बहुत पसंद है पहनना। मुझे आई डोंट नो व्हाई, कुछ लड़कियों को मेरी तरह कुछ होंगी ऑब्वियसली जिनको लेंस पहनना बहुत पसंद होगा, सो उनको मालूम होगा कि यार विदाउट लेंस हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा लुक कम्प्लीट नहीं है। एंड मुझे लेंस की आदत ऐसे लगी कि पहले मैं लेंस नहीं पहनती थी, सो आज से 3 साल पहले मैंने लेंस पहनना स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट टाइम जो मैंने लेंस पहना था ना,
4 साल हो गए, सॉरी 4 साल पहना था, और अपनी टिकटॉक की लाइफ के लिए पहना था कि देखूँ तो मैं ज़रा कैसी लगती हूँ, ठीक है. सो वो मैंने पहना एंड उसके बाद जो क्रेज़ लाइक मुझे हुआ कि वाओ आई लुक सो नाइस इन लेंस, एंड ऑनेस्टली मेरी आँखें अच्छी लगती है ना लेंस के साथ, अभी तुम लोग खुद देखना. उसके बाद फिर मैंने डेली पहनना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने छोड़ा ही नहीं, मतलब फिर मैं डेली पहनती थी. मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, आई मेक श्योर इट्स क्लीन. हाउ डू यू क्लीन? ऐसे करके पानी लो और ऐसे करके अच्छे से क्लीन करो. बट प्लीज़ मुझे फॉलो मत करना, अगर आप ना चाहो तो मुझे फॉलो बिल्कुल मत करना, कि मेरा भी अपना तरीका है, तुम लोग का अपना तरीका होगा. सो आई डोंट नो. ओके ऐसे चारों तरफ देखो, आंखें बंद कर लिया. वैसे मैं ये करती नहीं हूँ, आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आज रिलैक्स्ड हूँ, और इस वजह से भी क्योंकि आजकल मेरी आंखों में लेंस बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा. जब आपकी आंखों में लेंस ना बैठे ना तो आपको ये करना चाहिए. अब्दुल्ला सर टिश्यू दो ना. टिश्यू दो. किधर रखी आपने? नहीं है. नहीं किधर रखी आपने? मुझे नहीं मालूम, यहीं कहीं होनी चाहिए ना. वॉशरूम में तो नहीं रखी होगी? नहीं ये देखो ये पड़ी है. टिश्यू पेपर का डब्बा भी नहीं क्या? आई एम जस्ट शॉक्ड कि आज हाउसकीपिंग क्यों नहीं आई यार. एक बजने वाला है, एक बजने को आया. आई वॉन्ट कि हाउसकीपिंग नहीं, लास्ट टाइम भी लेट आए थे. कोई बात नहीं, ये देखो लेंस आज कितने मस्त लग रहा है. अरे यार लाइट नहीं है भैंस की, तुम आप ही मैंने नोटिस किया. लाइट के बगैर ही ट्यूटोरियल कर रहे हो. ओह शिट गाइस, लाइट ही नहीं है यार, डैम इट. चार्ज से बैठा दी मैंने अपना फ़ोन, को चार्ज पर तो लगा लूँ. सॉरी बात नहीं. ओए गाइस, तो मेरा मेकअप हो चुका है यार, रुको लाइट शाइट है नहीं, अभी लाइट के साथ दिखा देती हूँ. ये फोन बंद है, ये फोन बंद है मेरा. डू यू हैव एनी फोन फॉर नाउ? आई वांट फॉर फ्लैश लाइट. एक बार फोन देना प्लीज, लोगों को मेकअप दिखा दूँ. फ्लैश लाइट चाहिए, बस फ्लैश लाइट के लिए चाहिए. मेरा ये वाला फोन बंद है. अरे यार ये चार्ज भी तो मेरा है. पता नहीं यहाँ के सॉकेट्स में क्या मसला है. 6% आई थिंक फ्लैश लाइट नहीं जाएगी इसकी, बट अगर आ गई तो आगे वैसे रहने दो. ओके गाइस, सो हियर इज माय लुक. मैंने अपना लाइनर जो है वो इस पेंसिल से किया, सो इस वजह से इतना परमानेंट नहीं है. मुझे परमानेंट नहीं चाहिए था, मुझे बस ऐसे ही थोड़ा सा विंगी साथ चाहिए था. सो हियर इज माय मेकअप लुक. अब मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद बाल बनाऊंगी एंड देन आप लोगों को कंप्लीट लुक दिखाती हूँ. ओके गाइस, सो हियर इज माय कंप्लीट लुक. ये मैंने पाकिस्तान से शलवार कमीज ली थी, कहाँ से ली थी? जुनेद जमशेद से. और मेरा पैर दिखाना, ये आप लोग मेरे पैर पे चोट देख सकते हो. इसकी वजह से जो है ना मैं सही से चल नहीं पा रही, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. अभी मैं अपनी टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस पिक्चर्स लूँगी. आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी देखना है और टिकटॉक पे भी जाके देखना है, ठीक है? सो और मुझे रेट भी करो कि मेरा लुक कैसा लग रहा है. आज मैं यहाँ पे हूँ तो वासी को एपी ने कॉल करके बुला लिया कि सॉरी एपी ने वासी को कॉल करके बोला कि इज़मा के पास आ जाओ, और वासी मेरी हेल्प आउट करेगा अभी वीडियोज़ पिक्चर्स में लेने के लिए. तो जो भी इस लुक में वीडियोज़ पिक्चर्स होंगी वो अब्दुल वासी लेगा. तो वासी जल्दी से ले दो प्लीज़. Okay. आप देख सकते हैं एक जंगली जानवर घास पे चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पर. देखो मैं लंगड़ी होकर यहाँ पे आई हूँ जस्ट फॉर पिक्चर्स एंड वीडियोस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे मुझे लग ना जाए, पैर में बहुत भी चोट लग गई है. अभी हम कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मैं पिक्चर्स और वीडियोस बना पाऊँ. सो आई थिंक हम ये जगह सही ना बुलवा से. व्यू चेक करो यार तुम लोग, ये जगह का व्यू बहुत प्यारा है. ओके अब यहाँ पे हम लोग वीडियोस पिक्चर्स बनाएंगे, बंद करो कैमरा. ओके सो गाइज, अभी हम लोगों ने वीडियोस पिक्चर्स बना लिए हैं, टिकटॉक भी बना ली. कुछ वीडियोस मैंने टिकटॉक्स बनाई जो कि मैं अभी अपलोड करूँगी बाद में, अभी एडिट करके जो बाद में वो करनी होंगी वो बाद में करूँगी. सो दैट्स इट गाइज, प्लीज़ जाके टिकटॉक और वो देखना मेरी सही है, और उसके बाद एक बार ज़रा एयर ड्रॉप हो जाएँ और हम वासे और मेजा सुकून से थोड़ा बैठ जाएँ, थोड़ा सा चिल करें. उसके बाद ना और वासे थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे और थोड़ा रेस्टोरेंट की तरफ चल जाएंगे, बिकॉज जब से वासे आया ना मैंने उसे खाना खिलाया ना कुछ, और ना हम दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया वासे और मैंने. सो आज वासे के साथ टाइम स्पेंड करूँगी क्योंकि उसने कसम से बड़ी मेहनत की मेरी वीडियोज़ बनाने, और अभी वो बेचारों की तरह बैठा आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देखो कैसे बैठा है बेचारा मेरा भैया वासे. थैंक यू सो मच फॉर द पिक्चर्स एंड वीडियोज़.
और अभी हमारे रूम की सफाई हो जाए और आप वापस गंदा कर देना। मैं गंदा करता हूँ, अभी नहाना है ना तुमको। घर में आके सबसे पहले चीज इसने मुझे क्या बोली, इसका ये जो लगेज है उसको बंद करके रखा। मैंने कमरा पूरा फैला हुआ, लिटरली मैंने टिश्यू पेपर मेकअप सब उठा के कचरे में फेंके, सारा काम मैंने पूरा रूम इसने साफ कर दिया। एंड सफाई करते हुए क्या बोलते हैं कि अभी सफाई वाली आएगी, हाउसकीपिंग आएंगी, अच्छा नहीं लगता रूम खराब। मैंने बोला हाउसकीपिंग आती है किस वजह से, वो सफाई के लिए तो आती है, बोलता नहीं अच्छा नहीं लगता कि वो इतना काम करके जाएगी, वो बस थोड़ा सा काम करे। सो ये इतना ख्याल रखता है माशाल्लाह से सबका, बस अच्छी बात है माशाल्लाह। तो गरीबों के साथ मैं नहीं करता, दफा हो जाओ। मेरे दोनों फोन में ना फॉल्ट आया हुआ है। इस वाले फोन का कैमरा फ्रंट से सही नहीं है, इसका पता नहीं कोई ग्लिच है कि टिकटॉक इंस्टाग्राम पे सही नहीं चलता, रियर कैमरा सही चलता है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। ये हमारी हाउसकीपिंग है, बहुत अच्छा काम करती है। और हमारा ये रूम साफ हो चुका है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा चमका के गई है दीदी माशाल्लाह, ये चेक करो। अल्लाह की कसम मैं जब अपने रूम की सफाई करती हूँ ना, मैं 10 घंटे लगा देती हूँ, चेक करो तुम लोग। मतलब ऐसा साफ करके जाती हैं कि जैसे कि अभी अभी चेक इन किया है, इतना अच्छा साफ करती हैं। अभी मैं ज़रा लाइट नहीं खोलूँगी, रिंग लाइट खोलूँगी। अब्दुल आसिफ ज़रा ये रिंग लाइट लगा, ये रिंग लाइट लगा दे। कौन ले गया थे ट्रैवल में अपने साथ, ये टिकटॉकर्स लेकर आते हैं। सो गाइस अब आज से रिंग लाइट लगा रहे हैं, और उसके बाद ना जरा अभी मैं लाइव जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, लाइव ख़त्म कर फिर जाएंगे डिनर विनर करने के लिए। अभी ये लाइट खुल जाएगी, ये अल्लाह कम ऑन। और ये मेरा क्यूट सा सेटअप, वही ये मेरा सेटअप है, बस इसको रख कर लाइव जाऊँगी अभी। गाइस देखो मुझे पैसे काउंट करने नहीं आते, तो वहाँ से मेरे लिए पैसे काउंट कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पैसे काउंट करता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने हैं, सो वहाँ से ये मुझे काउंट करके दे रहा है, क्योंकि मुझे नेपाल की करेंसी का कुछ मालूम नहीं है। वहाँ से मेरा पूरा का पूरा बैग जो है वो रिसेट हो रहा है, ये मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अभी से मेरे लिए रिंग लाइट भी लगा दिए, बस अभी ये रिजल्ट रिसेट कर ले, टोटल अमाउंट बता दे, फिर मैं लाइव जाऊँगी। आई जस्ट वंडर कि जब मैं इमेजिन, हाँ कितना ऑलमोस्ट समझ लो 7,500 है स्पेंडिंग मनी। पैसे ही नहीं है गाइस, पैसे ही नहीं है। पापा अच्छे खासे हैं? नहीं अच्छे खासे गाइस, इमेजिन अभी अगर मैं अकेले ट्रैवल करूंगी तो मेरा क्या हाल होगा, जस्ट इमेजिन। हाँ जस्ट इमेजिन अगर मैं अकेले ट्रैवल करूंगी तो, नहीं गलत बात है। चलो जी गाइस अब अपन जा रहा है लाइव वहाँ की तरफ, फिर से हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, सही है, क्योंकि अभी क्या ही बाहर से मंगवाएं, वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है, बिकॉज सारा दिन कसम से रूम में ही मेरा चले जाता है, रूम में चले जाता है या कोई मस्तियों में चले जाता है, कहीं बाहर तो घूम नहीं रहे, सो यहाँ पे जाना मुझे अच्छा लगता है। और रात में यहाँ का व्यू भी बहुत हसीन हो जाता है, मुझे यहाँ पे रात का व्यू भी बहुत अच्छा लगने लगता है। सो आई एम लाइक ओके ठीक है, और मैंने अपने लेंसेज उतार दिए क्योंकि फिर वरना मेरी आंखों में चुभन हो जाती है, बहुत टाइम से पहने हुए ना मैंने। आ चुकी हूँ एंड हम लोगों ने ऑर्डर किया है बटर चिकन, कुछ आलू कैप्सिकम, एपिने बटर नान और मैंने प्लेन नान, और अभी के लिए वो जो कॉर्नी हम लोगों ने मंगवाए थे वही वाले, बस उसके अंदर सब्जियाँ मिलवाई हैं यप्पी ने, क्योंकि अपने बोला कि सब्जी के साथ ज़्यादा मज़े का लगेगा, सो बस वही है खाने के लिए। एंड बस नहीं बहुत है, तो यस आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है अंदर रेस्टोरेंट की कि यहाँ पे हलाल हमें मिल जाता है, बाहर से ढूंढना पड़ता है हलाल होगा या नहीं होगा, बट अंदर यहाँ पे बोलो हलाल बस हलाल बना कर दे देंगे, बट बाहर के लिए मुश्किल होता है, इस वजह से हम लोगों ने आज भी यहीं पे अब डाइनिंग कर लिया। सो यस, और मेरे पैर का हाल बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, अल्लाह करे अब सुबह ऐसा ना हो कि मैं सुबह सोते हुए मुझे दर्द हो या सुबह दर्द हो, बट रात में तो बहुत दर्द था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। सो गाइस फाइनली अब हमारा खाना भी आ चुका है, ये स्टार्टर्स भी आ चुके थे, बट ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे ये अच्छे लगे, बट लाइक आई विल गिव इट 10 में से 4 नंबर, क्योंकि इसके अंदर यार पता नहीं लहसुन है क्या अदरक है यार, वो ऐसी है वो मेरे मुंह में आ रहा है ना, आई हेट इट सो मच। ओके एंड हियर इज द नान एंड हियर इज बटर चिकन। हाय गाइस, सो आई एम डन फॉर द डे, हम लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया, उसके बाद आज बहुत सारी पिक्चर्स भी हुई, आज मैंने इंजॉय किया, लेकिन मेरी बहुत बुरी चोट लगी हुई है पैर पे, एंड मैं बाहर वॉकिंग करती थी, अब भी और वासे लाइव थे, मैं बाहर वॉकिंग गई थी, अब्दुल वासे भी था मेरे साथ, बट मेरी चोट पे ना अब ठंड लग रही थी मुझे, मतलब पता नहीं ऐसे ठंड, ऐसे जैसे ठंडा ना अंदर जा रही थी ऐसे फील हो रहा था। जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ दुआ करो कि मेरा सही हो जाए जल्दी से, पता नहीं यार क्या हो गया, मुझे चोट लग रही है। और जो लोग व्लॉग देख रहे हैं आप लोगों को पता है मेरा जो बिल्ला है सिम्बा,
वो भी बीमार हो गया है दुबई में, प्लीज उसके लिए भी प्रे कर दो कि वो ठीक हो जाए। मेरे सिम्बा उसको इंजेक्शन भी लगा है, उसकी हालत बहुत खराब है। इंशाल्लाह मैं जल्दी उसके पास पहुंच जाऊंगा। आप लोग दिल से दुआ कर दो और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे पता नहीं क्या हो गया। इधर बिल्ली हमारी बीमार है, तुम्हें सब्सक्राइबर्स नहीं पता है। वो टॉपिक खत्म कर दिया मैंने अपना, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा गाइस, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। मुझे बस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंडिंग करना था। यहाँ पे अच्छी लाइट है, सो जिसमें मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई क्योंकि यहाँ पे हमारी है। अभी बस मैं चेंज भी करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइज। आई एम सॉरी मेरा कल का ब्लॉग नहीं आया था बिकॉज मेरी चोट की वजह से, बट आई एम हीलिंग बट स्टिल ब्लॉग्स बनाते रहूँगी। और कल मेरे ख्याल से मैं पूल में जाऊँगी। कमेंट्स बताओ कितने लोग चाहते हैं मैं पूल में जाऊँ, ठीक है? फिर देखती हूँ सुबह उठ के, कमेंट्स हुए तो मैं चली जाऊँगी, नहीं हुए तो कहीं नहीं जाऊँगी। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ गाइस, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।